समाचारमां आगळ वधीए तो दिल्हीमां खेडूत आंदोलनमां हवे कावतरा थया होवानो दावो करवामां आव्यो छे। खेडूत आंदोलननी सुरक्षा समितिए शुक्रवारे रात्रे सिंधु बोर्डर पासेथी एक शंकास्पद व्यक्तिनी धरपकड़ करी छे। तो खेडूत नेता तेने मीडिया सामे पण लाव्या कि ज्यां तेने कह्युं कि 26मी जान्युआरीए थनारी ट्रेक्टर मार्चमां खेडूत नेताओने गोळी मारवानो आदेश आपवामां आव्यो हतो। तो पकड़ायेला शख्से कह्युं छे कि तेने आ आदेश हरियाणा पुलिसना ऑफिसर प्रदीपे आप्या हता, जो कि आ दावा पर अत्यार सुधी सरकार के हरियाणा पुलिसे कोई निवेदन आप्युं नथी। आ व्यक्तिने हालमां पुलिसने सौंपी देवामां आवे छे। आ साथे वधुमां जणाववामां आव्यु छे कि तेनो पहेलो प्लान 26मी जान्युआरीए निकळनारी मार्चनी पहेली लाइन पर गोळी चलावानो हतो अने त्यारबाद दिल्ही पुलिस खेडूतोने रोकवानी कोशिश करशे, परंतु तेओ न रोकाय तो तेमना पर पण गोळी चलावानो ऑर्डर हतो। पाछळथी अमारी टीम के जेमां हरियाणाना 8-10 छोकरा हता ते पण गोळी चलावशे तेवुं आ शख्से जणाव्युं। पुलिसने एवुं लागशे कि गोळी खेडूतोए चलावी छे। तो हालमां क्राइम ब्रांच आरोपीनी पूछपरछ करी रही छे अने आरोपी योगेश सोनीपतना न्यू जीवननगरनो रहेवासी होवानुं सामे आव्युं छे। तो खेडूत आंदोलनमां हवे नवी अपडेट सामे आवी छे कि ज्यां कावतरा थया होवानी विगतो पण सामे आवी रही छे। गईकाले मोड़ी रात्रे एक व्यक्तिनी धरपकड़ करवामां आवी छे अने आ शख्सने खेडूतो पर गोळीबार करवानो आदेश होवानो पण आ शख्स जणावी रह्यो छे कि जेनी हाल क्राइम ब्रांच पूछपरछ करी रही छे। शंकास्पद व्यक्तिने खेडूतो अने तेनी साथे 8-10 अन्य लोको पण हता कि जेने खेडूतो पर गोळी चलावानो आदेश आपवामां आव्यो हतो अने आरोपी योगेश सोनीपतना न्यू जीवननगरनो रहेवासी होवानुं सामे आव्युं छे। तो सुरक्षा समितिए आ शख्सनी धरपकड़ करी छे अने हाल क्राइम ब्रांच योगेशनी पूछपरछ करी रही छे। तो ट्रेक्टर मार्च जे 26मी तारीखे आयोजित थवानी छे तेमां चार खेडूत नेताओ पर गोळी चलावानो आदेश आपवामां आव्यो हतो। हरियाणाना ऑफिसर प्रदीपे आदेश आप्या होवानुं आ शख्स जणावी रह्यो छे, जो कि हजी सुधी हरियाणा पोलीस के सरकार तरफथी आ मामले कोई ज निवेदन सामे नथी आव्युं। तो सिंधु बोर्डर परथी एक शंकास्पद व्यक्तिनी धरपकड़ करवामां आवी छे कि जेने ट्रेक्टर मार्चमां चार खेडूत नेताओ पर गोळी चलावानो आदेश आपवामां आव्यो छे अने आ शंकास्पद व्यक्तिनी धरपकड़ करवामां आवी छे, जेनुं नाम योगेश छे, सोनीपतना न्यू जीवननगरनो रहेवासी होवानुं सामे आवी रह्युं छे अने हवे योगेशनी पूछपरछ करवामां आवी रही छे। आ साथे खेडूत नेता योगेशने मीडियानी सामे पण लाव्या हता, जेमां योगेशे कबूल कर्युं छे कि तेने हरियाणाना ऑफिसर प्रदीपे खेडूतो पर गोळी चलावानो आदेश आप्यो हतो अने त्यारबाद 8-10 जेटला अन्य युवानो पण हता कि जे जो आ ट्रेक्टर मार्च छे, रेली छे, ते न रोकाय तो 8-10 अन्य छोकरा हता कि जेने पण गोळी चलावानो आदेश आपवामां आव्यो हतो। तो खेडूत आंदोलनमां कावतरानो दावो थई रह्यो छे कि ज्यां सिंधु बोर्डर परथी एक शंकास्पद व्यक्तिनी धरपकड़ करવામાં આવી છે। हाल आ व्यक्तिनी क्राइम ब्रांच पूछपरछ करी रही छे, जेनुं नाम योगेश छे अने सोनीपतना न्यू जीवननगरनो रहेवासी छे। तो आ साथे अमारा सहयोगी जितेंद्र शर्मा जोड़ाई चुक्या छे। जितेंद्र, कृषि आंदोलन को लेकर साजिश की सबसे बड़ी खबर क्या है, विशेष अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस शख्स को किसानों ने पुलिस के हवाले किया उससे फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको अपने पास रखा हुआ है, जहां लगातार उससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो साजिश वो बता रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्योंकि किसान नेताओं ने जिस तरीके से कल बड़े ड्रामेटिक तरीके से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस शख्स को पेश किया गया और ये बताया गया कि इसे हमने 19 तारीख से हिरासत में लिया हुआ है। और इस शख्स ने किसानों को ये बताया कि चार किसान नेताओं को इसे टारगेट करने का टास्क दिया गया था, उसके लिए पुलिसकर्मियों ने इसे 10,000 रुपये दिए थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिन पुलिसकर्मियों का नाम इस शख्स ने, योगेश सिंह नाम के शख्स ने किसान नेताओं को बताया, उस नाम का कोई भी पुलिसकर्मी हरियाणा पुलिस के अंदर तैनात नहीं है। और इसने राई पुलिस स्टेशन का नाम बताया और उस राई पुलिस स्टेशन के अंदर उस नाम का कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। और यही वजह है कि पुलिस अब इस कहानी में पूरे तरीके से उलझ चुकी है। पुलिस का कहना है कि शख्स से पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस इसको इसके दफ्तर भी लेकर गई, इसके ऑफिस लेकर गई, जहां पर ये काम करने का दावा करता है, वहां पर भी इसके बारे में कोई खास क्लू नहीं हाथ लग पाया। तो अब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस शख्स से लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि जो कहानी ये शख्स
किसान नेताओं को इसने बताई, पुलिस को ये बता रहा है, उसके पीछे असलियत क्या है। जी जी जितेंद्र धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण विगत सामने आ रही है कि ज्यां हाल आज जो शंकास्पद व्यक्ति है तेनी पूछपरछ करवामां आवी रही छे। क्राइम ब्रांच आ व्यक्ति की पूछपरछ कर रही है अने त्यारबाद अन्य विगत सामने आवशे। जो कि हरियाणा पोलिस ऑफिसर प्रदीपे तेने आ आदेश आप्या होवानो आ व्यक्ति जणावी रह्यो छे, परंतु सरकार के हरियाणा पोलिस तरफथी हजी सुधी कोई ज निवेदन सामे नथी आव्युं।